JST, NPST, interviews, DRC, DAC, STS, IBA. Today we discuss about the interviews. बहुत से कैंडिडेट्स परेशान हैं कि JST के और PST के इंटरव्यूज होंगे या नहीं होंगे. अगर इंटरव्यूज होंगे तो कैसे होंगे, तो इसके हवाले से हम आज डिटेल में बात करेंगे. वीडियो को एंड तक देखना, आपकी सारी जो भी कन्फ्यूजन से इंटरव्यू के हवाले से एंड DRC डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी के हवाले से वो दूर हो जाएंगी. तो हम आगे चलते हैं कि यहाँ पे आफ्टर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जैसे आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे DEO ऑफिस में, जो 3 सेट हो या 4 सेट हो, तो उसके बाद फिर वो वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की. DEO ऑफिस वाले वेरिफिकेशन करवाएंगे. जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद फिर आपकी डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा. जैसे आप बोल रहे हैं, आप इंटरव्यू बोले या DRC बोले या DAC बोले, एक ही बात है. DRC जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी है और DAC डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी है, ये दो नाम है. तीसरा नाम इंटरव्यू, ये एक ही कमेटी का नाम है. ये कमेटी भी जिसमें आपका हेड जो का वो DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी होगा, और उसके मेंबर्स जो है वो DEO प्राइमरी TEOs होंगे, और उसके अलावा चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर CMO और ADC वन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन, ये कमेटी के मेंबर्स होंगे. जो इनके सामने आपको पेश होना होगा इन पर्सन. इन पर्सन कैंडिडेट्स हैव टू अपियर इन फ्रंट ऑफ कमेटी विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. आपने इन पर्सन कैंडिडेट्स को, अब जो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाए, जरूरी नहीं कि आप खुद चले जाएं, कैंडिडेट चला जाए, कोई भी उसका भाई या फिर उसके वालदेन में से जाके जमा करवा सकता है. लेकिन जब कमेटी होगी तो उसमें इन पर्सन कैंडिडेट को अपियर होना होगा कमेटी के आगे, और विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है आपके, वो आप साथ में लेके जाएंगे कमेटी को दिखाने के लिए. उसके बाद क्या होगा, कमेटी विल चेक ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड वेरीफाई फोटो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स. कमेटी जो होगी वो आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सारे, एवन तो मेट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, मास्टर्स डिग्री वगैरह है या बी एड एमएड वगैरह जो भी है, क्वालिफिकेशन वगैरह, डोमिसाइल, PR GD, सारे ओरिजिनल वो देखेंगे, चेक करेंगे कि भाई इसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, तो वो होंगे. उसके बाद फिर जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन वो करवाएंगे, डोमिसाइल, PR CD की, और उसके अलावा जो डिग्रीज है तो उनकी वेरिफिकेशन जो होगी वो उनकी वो फोटो कापी जो है ना वो वेरीफाई करके स्टैम्प लगा के यूनिवर्सिटीज वाले या फिर दूसरे देंगे, तो वो फिर देखेंगे कि भाई इसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई हुए हैं यूनिवर्सिटी से या नहीं. तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरीफाई होना चाहते. कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी आपको सेलेक्ट नहीं करेगी. तो डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई होना जरूरी है अगर इनकेस कोई डिस्ट्रिक्ट में वेरीफिकेशन प्रोसेस चलाते हैं तो. अगर इनकेस किसी डिस्ट्रिक्ट में वेरीफिकेशन प्रोसेस ही नहीं चलाते, बस सबमिशन के बाद डायरेक्ट DPC बिठाते हैं, DRC जैसे हम बोल रहे हैं, तो फिर उसमें ये होगा कि आपके सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद है या नहीं है. ओके, अब हम आगे चलेंगे. इसके बाद फिर क्या होगा कि आफ्टर चेकिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड वेरीफाइड फोटो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स जो भी होंगे, वेरीफिकेशन वगैरह जो होंगे, लेटर्स होंगे और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको चेक कर लिए कमेटी ने. उसके बाद फिर आप कमेटी क्या करेगी, कमेटी प्रोवाइड चेक लिस्ट ऑफ स्कूल्स एंड आस्क फॉर चॉइसेस ऑफ स्कूल्स. कमेटी आपको एक चेक लिस्ट देगी, लिस्ट ऑफ स्कूल्स. अब वो देखिए, वो कमेटी बोलेगी कि इन स्कूल्स में वैकेंसीज अवेलेबल हैं, यहाँ पे टीचर्स हमें चाहिए, तो आप अपॉइंट होंगे, तो आप कौन से स्कूल में ज्वाइनिंग करना चाहेंगे या कौन से स्कूल में आप ड्यूटी करना चाहेंगे, हमें चॉइसेस बताएं जो आपको मतलब फीजेबल लगे घर से या आपकी राय से वहाँ पे ड्यूटी पे जाना. तो चॉइस एक दो तीन दो जितनी वो चॉइसेस लें, तो या 3 चॉइसेस लेंगे वो आपने चॉइसेस बताइए बतानी है स्कूल की लिस्ट की. और उसके बाद फिर एनी को कमेटी में आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू. कमेटी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है आपका. मोस्ट प्रॉबेबली जो है वो फैमिली के हवाले से क्वेश्चनिंग होती है, रहायश के हवाले से क्वेश्चनिंग होती है, और फिर कमेटी पूछती है कि आपने ये क्वालिफिकेशन की है, और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है नहीं है या कितना टाइम आप क्या कर रहे थे, तो इस हवाले से तकरीबन क्वेश्चनिंग होती है. मतलब अकेडमिक्स जो क्वेश्चनिंग है, अकेडमिक्स क्वेश्चनिंग जो है वो बहुत कम होती है, अक्सर नहीं करते कमेटी में. अगर ऐसा कोई बंदा हो, कोई एक दो क्वेश्चन कर ले तो कर ले, वरना नहीं करते एकेडमिक्स क्वेश्चन. जैसे ही बैकग्राउंड के हवाले से, फैमिली के हवाले से और आपकी राय वगैरह एक्सपीरियंस के हवाले से क्वेश्चनिंग होती है. तो ये क्वेश्चनिंग होगी, उसके बाद फिर क्या होगा, कमेटी कंप्लीट हो जाएगी. इन द एंड DRC या जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है वो एक रिपोर्ट इशू करेगी जिसमें सारे मेंबर्स की सिग्नेचर्स होगी. वो रिपोर्ट में जिसका नाम आ गया वो मतलब फाइनल हो गया, उसको 100% कन्फर्म मिलेगा. तो जैसे रिपोर्ट पब्लिश होगी वो, फिर रिपोर्ट जो है वो सेक्रेटरी एजुकेशन को भी भेजेंगे, और डायरेक्टर्स जो डिवीजन लेवल पे होते हैं वो डायरेक्टर्स को भी भेजेंगे. उसके बाद फिर जो डायरेक्टर है वो आपके ऑफर आर्डर्स इशू करेगा, और ऑफर आर्डर्स आपको DEO ऑफिस में आएंगे, वहाँ से आपको जाके उठाने पड़ेंगे ऑफर आर्डर्स. ऑफर आर्डर्स लेने के बाद फिर आप स्कूल में जा पुलिस वेरीफिकेशन होगी, और उसके बाद फिर मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, आधार ज्वाइनिंग जमा करवाएंगे, फिर ज्वाइनिंग आर्डर आपको मिलेगा. जीके फॉर्म, डाउट्स ऑफ नॉलेज एंड टेस्ट प्रिपरेशन एंड इट्स मी मंसूर मंसूर.
ऑफर आर्डर के बाद क्या होगा कि वो आप पुलिस वेरिफिकेशन करवा।